अज़ीज़ तलबा, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी रवायात को कायम रखते हुए एक नई जिद्दत और एक नए पहलू पे काम करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे अहम पहलू ये है कि मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए बच्चों तलबा को एक जगह पे इकट्ठा करने की बजाय ऑनलाइन वर्कशॉप्स का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। हमारी बड़ी कोशिश है ये कि जून के महीने में ये ऑनलाइन वर्कशॉप्स शुरू कर दी जाएंगी। इसमें आपको मैसेज भी पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के साथ इन टच रहिए ताकि आपको अपडेट आती रहे। ऑनलाइन वर्कशॉप्स में बुनियादी तौर पे हमारा थीम ये है कि बच्चे अपने घरों में बैठे उस तालीमी अमल से गुज़र सकें जो उनकी डिग्री के लिए ज़रूरी है, और वो वर्कशॉप्स जो नहीं हो सकी मौजूदा सूरत हाल में और तलबा की वो जो तालीमी कमी रह गई है उसको पूरा किया जा सके। इसमें दो या तीन मुख्तलिफ मोड्स पे काम हो रहा है। पहला मोड उसमें ये होगा कि ऑनलाइन आपको लॉगिन और पासवर्ड दे दिया जाएगा टीचर, और आपको टाइम दे दिया जाएगा, टीचर वहाँ पे पढ़ा रहा होगा किसी एक जगह पे, और आप उसके सुन भी रहे होंगे, और अगर आपके ज़हन में कोई सवालात होंगे तो आप लिख कर वो शेयर भी कर लेंगे। यानी कोई भी तालीमी तशनगी आपके ज़हन में होगी तो ट्यूटर या टीचर उसी वक्त उसको हल कर रहा होगा। दूसरा जिस पे हमारा काम हो रहा है वो ऐप है, जिसको जैसे यूट्यूब चैनल टाइप हम एक ला रहे हैं, उसमें भी हम आपको लॉगिन और पासवर्ड देंगे ताकि आपकी फ़िज़िकल अटेंडेंस को यकीनी बनाया जाए। और उसमें ख़ास तौर पे इस बात पे भी सोचा जा रहा है कि इस हर लेक्चर के बाद चंद सवालात जनरेट किए जाएंगे जिनके जवाब आप देंगे, जिससे आपको साथ साथ एवेलुएट किया जाएगा। अजीज़ तलबा, इसमें एक बात आप ज़हन में रखें कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई बहुत बड़ा नेटवर्क हो और आपके पास कोई लैपटॉप हो तो तब ये मुमकिन होगा। इंशाल्लाह हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह होगा कि आप सिंपल अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से उस पे में किसी फैसिलिटी को अवेल कर सकेंगे, और इससे बहुत बड़ा जो हमारे तलबा के ऊपर एक बर्डन होता था के घरों से दूर जाके उन्हें वर्कशॉप्स करनी पड़ती थी, तो इंशाल्लाह ये भी हमारा वादा पूरा होने जा रहा है कि घर में बैठे आप उन वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकेंगे और उसकी मदद से यूनिवर्सिटी आपको वैल्यूएट करेगी, और इस तरह ये तालीमी अमल हमारा इस सूरत हाल में भी जारी रहेगा।